चुनाव में जो इस वक्त इस पीछे दिनों तबस्सुम हसन की जीत हुई, इसको लेकर एक वायरल पोस्ट हो रही है, एक पोस्ट वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर अब काफी बवाल हो रहा है कि आखिर अगर वहां से तबस्सुम हसन जीती है तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट देना कहां तक जायज बनता है। हालांकि तबस्सुम हसन ने इसके बाद अपना बयान दिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरह से कैराना को लेकर सांप्रदायिक बयान सामने आ रहे हैं कि राम की हार और अल्लाह की जीत, क्या यहाँ पर विकास के मुद्दे हैं, क्या यहाँ पर भाईचारा और जो बाकी बुनियादी मुद्दे हैं वो सब फेल हो गए हैं, और क्या कैराना की जीत को, कैराना की सीट को अब सांप्रदायिक लहजे से देखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज, और इस खास मुद्दे पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल मिश्रा और राशिद अली। सबसे पहला सवाल मैं राशिद अली से पूछूंगी। राशिद, राम की हार और अल्लाह की जीत, क्या लगता है कि यहाँ पर अचल यहाँ पे तबस्सुम हसन को जीत मिली है तो यहाँ से क्या मुस्लिम ने वोट किया, उन्हें तो सबने वोट किया होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उन्होंने सबने वोट किया और तभी वो जीती है। उससे पहले मैं अपने सवाल का जवाब दूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गायत्री जी, क्या जब उनसे पूछा गया तबस्सुम हसन से कि आपने ऐसा बयान दिया है तो उनकी उनका जवाब क्या जी, उस पर बात करूंगी राशिद, लेकिन अभी जिस तरह से कि राम की हार और अल्लाह की जीत को लेकर पोस्ट वायरल हो रही है जी, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं हमेशा ऐसी ऐसी चीज वायरल की जाती है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन उससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। अब आप देखिए, बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, कुछ और चीजें होती है, उसको एडिट करके कुछ और पेश किया जाता है। हमारे से कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे दिमाग से कुछ ढीले हो लोग होते हैं जिनका मानसिक स्तर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और वो उसमें आ जाते हैं और फिर उल जुलो बैतु की बयानबाजी, और कहीं ना कहीं इससे धार्मिक उन्माद जो है, भाईचारा है, वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल गायत्री जी, आपने ठीक फरमाया। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो हमारे समाज में रह रहे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसी छेड़खानी करते हैं, और वो तमाम लोग जो हमारे बीच में से ही होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, जो ज्ञान के अभाव में उनके चंगुल में आते हैं, और वो वो जो भी पोस्ट करते हैं उसके नीचे ये जरूर करते हैं कि भक्त जरूर शेयर करें, और वो बिना उसकी सच्चाई जाने वो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और ना जाने गलत जानकारियाँ कितने लोगों के पास जाती हैं, और जो इंसान पढ़ता है, जिस जिसके पास वो मैसेज जाता है, बस वो उसी के आधार पर देखिए, अगर तबस्सुम हसन कहती है कि अगर मैंने कोई भी पोस्ट इस तरह की नहीं डाली, और एक सांसद निर्वाचित होने के बावजूद अगर वो इस तरीके की पोस्ट डालती हैं, या फिर कोई ऐसा एक अलगाववादी तत्व है जो कहीं ना कहीं इस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से दंगों की आग में कैराना जूझ रहा था पहले से, वो कहीं ना कहीं ऐसे सांप्रदायिक तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। आप देखिए कि आप अनेकों अनेक देखेंगे कि उसमें सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक चीज़ें डाली जाती हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं विदेशों में इस चीज़ का असर पड़ता है। युगांडा की संसद ने अभी पिछले दिनों ट्विटर, व्हाट्सएप और उस पर फेसबुक पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, कि कम से कम ये टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि जो सांप्रदायिक चीजें जो डाली जाती हैं उनका कम हो जाए। जी, बात यही है। और तबस्सुम हसन का इसके बाद स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा है कि हम तीन पीढ़ी से सियासत कर रहे हैं, ऐसा नादानी भरा बयान कैसे दे सकते हैं, और ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया है, हमें हमेशा हिंदू समाज का वोट मिला है, इस बार भी दलित और जाट समाज के लोग हमारे साथ खड़े थे, इसी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। तो वहीं FIR दर्ज की गई है और 5 लोगों की टीम बनाई गई है जो पता करेंगे कि आखिर किसने ये किया गया। हाँ, मीडिया सेल की तरफ से इस तरह के मैसेज को सर्कुलेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये मैसेज जो है तबस्सुम हसन की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर तबस्सुम हसन ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इशारा किया है, उनका कहना है कि अब वो हार गए हैं तो 2019 की तैयारी में लग गए हैं, चाहे तरीका सही हो या फिर गलत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया गायत्री जी, अगर तबस्सुम हसन जीती है तो वो केवल RLD की प्रत्याशी नहीं थी बल्कि उन्हें औरों का भी समर्थन था, जो इस बात को जाहिर करता है कि उनके साथ तमाम समुदाय थे और उन सभी समुदाय के लोगों का उन्हें वोट मिला है, और जब वो जाके सांसद बनी। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक गलत मैसेज दिया है,
और जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने मना किया। लेकिन मैं आपको बीजेपी विधायक याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक हैं बैरिया से सुरेंद्र सिंह, वो खुले मंच से ये कहते हैं कि 2019 का चुनाव जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच है, राम और अल्लाह के बीच होगा, राम और अल्लाह के बीच है। ये क्या दर्शाता है जो खुले मंच से देते हैं? बिल्कुल सही कहा मेरे सहयोगी राशिद ने कि सुरेंद्र सिंह ये वाकई बहुत, इन्होंने ही उन्नाव कांड में बयान दिया था कि चार बच्चों की मां के साथ बलात्कार कौन कर सकता है। ये सुरेंद्र सिंह वही विधायक है, आप सोचिए किस तरह से यहाँ पर तबस्सुम हसन ने बीजेपी को ही आड़े हाथों लिया है। हालांकि उन्होंने इनडायरेक्टली में भी बोला है कि वो हार गए हैं, अब अगले साल जीतने के लिए शाम दंड भेद की राजनीति करेंगे, चाहे तरीका सही हो या फिर गलत। अनुज मिश्रा क्या लगता है, मीडिया सेल की बात की गई है, बीजेपी की तरफ से सर्कुलेट नहीं किया गया मैसेज? देखिए, अगर बीजेपी की तरफ से सर्कुलेट किया गया है मैसेज तो मुझे लगता है कि फिर वही चेहरा आ जाता है कि सांप्रदायिक तौर पर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप विकास की राजनीति नहीं करते हैं, आप किस जगह पर लोग पानी से तड़प रहे हैं, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के लिए दो वक्त का खाना खाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास जो जमीने मुद्दे हैं उनको लेकर के बात क्यों नहीं होती है? आप हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए और दंगे फैलाए जाए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें जो चाहे बीजेपी हो, हम हिंदुस्तान का एक चेहरा इस तरीके से माना जाता है कि हम अमन और शांति का पैगाम हिंदुस्तान के अंदर भेजें, लेकिन अगर बीजेपी अगर ये चीज़ करती है तो मुझे लगता है इससे दर्ज की गई है, 5 लोग की टीम बनाई गई है। मीडिया सेल में तो खैर तबस्सुम हसन ने तो बीजेपी का ही जिक्र किया है, उन्होंने इशारे इशारों में भाजपा का ही नाम लिया है। बीते साल जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले बीबीसी की साइट पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल में लिखा था कि बीजेपी के जीतने के आसार बहुत कम है गुजरात में, और ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ा एक पॉइंट हो सकता है दो मजहब के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद उत्पन्न करना, कि इससे क्या होगा, वोट खेमा जो हो बच जाएगा वो चलाएगा बीजेपी की तरफ से, उन्होंने ये बयान ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था। राशिद क्या लगता है कि जब यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ इस तरह से कहा जाता है, कट्टर हिंदुवादी इसकी छवि है, सांप्रदायिक राजनीति करते आप देखते भी हो कि किस तरह से जो नेता बयान देते हैं, हालांकि पार्टी आला कमान से कोई नकेल कसी नहीं जाती है, तो क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी की हार कराना और नूरपुर में हुई, अभी से उन्होंने जमीनी सियासत जमीनी जो है वो बिसात बिछानी शुरू कर दी है कि ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाओ? कुछ तो ऐसे हमारे ऐसे हैं बहुत से मानसिक स्तर के लोग कि जो सिर्फ धार्मिक चीजों पर इतने खिंच जाते हैं कि उनके इंसानियत भी कुछ मैटर नहीं करती है। बिल्कुल गायत्री जी, भले अगर मैं बात करूं कैराना और नूरपुर से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हो चुका है गोरखपुर और फूलपुर की हार से, ठीक है, और इसके बाद अब राजनीतिक अगर उसकी हिंदुत्व की छवि है तो कहना गलत नहीं होगा, वो इसी छवि के आधार पर लड़ती है, और तभी नेता, इसीलिए ज्यादातर उनके नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं। मैंने अभी आपको पुराने में अभी आपको बताया कि किस तरह से उनके नेता, अगर हिंदुत्व छवि नहीं है तो क्यों एक नेता खुले मंच से ये कहता है कि 2019 का चुनाव भगवान और अल्लाह के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में, जब अगर भले ही बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलती है तो फिर उन्हीं के नेता जब ऐसे भरे मन से ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं, नफरत वाले बयान देते हैं, तो क्यों उन पे एक्शन नहीं लिया जाता? वाकई एक्शन, वाकई ये बहुत बड़ी बात की है एक्शन के, हम इससे ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे में चाहे जम्मू कश्मीर के। ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हर राजनीतिक पार्टियों का एक ही मुद्दा बचा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जाए, और उस भ्रम के आधार पर सांप्रदायिक चीज़ें बढ़ेंगी, हिंदू मुस्लिम अलग होंगे और उसमें राजनीतिक फायदा कहीं ना कहीं हमारी पार्टियों को होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, और हर पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा बना है। अगर विकास पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, आप गुजरात में देखिए, हर पार्टी इतना धार्मिक चीजों में नहीं उलझती इतना बीजेपी उलझती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, भले ही बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार में सत्ता है और यूपी में है, तो पूरी तरीके से 21 राज्यों में वो पूरी तरीके से सत्ता पे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपनी जो छवि है, साख, जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी की साख का सवाल है, अमित शाह की साख का सवाल है, तो ये साख का सवाल सिर्फ राजनीति में वोट बैंक के लिए ही क्यों आता है? आपकी साख का सवाल उन मुद्दों पर क्यों नहीं आता है कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जब बच्चों की सुरक्षा खतरे में होती, तब ये साख कहाँ चली जाती है? लेकिन यहाँ पर अगर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर यहाँ देखा जाए तो बीजेपी भले ही बहुसंख्यक की राजनीति करती है, कट्टर हिंदुवादी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हिंदुस्तान में आबादी हिंदुओं की है, अगर देखा जाए इसका पहलू, तो ऐसे में अगर वो उनको रिझाने में सफल होती है तो फिर कहाँ बुराई हो रही है? अगर नाम हुआ तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो ऐसे में आप देखिए अगर यहाँ राम मंदिर का पासा खेलती कितने
हिंदू उनके पक्ष में चले जाएंगे, आप ये भी तो कह सकते हैं फिर अनु जी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम के खिलाफ नहीं है बीजेपी, लेकिन मुस्लिमों के साथ भी ऐसा कभी दर्शाती भी है, क्योंकि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को आप टिकट नहीं देते हो, इसका क्या मतलब बनता हो, कहते हो सबका साथ सबका विकास। नहीं है कि मुस्लिम, अगर कहराना की अगर बात करोगी तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, दिया है। अगर मैं वही बात आपको कह रहा था कि 50-60 हजार वोटरों का अंतर अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम का भी सहयोग है, बहुसंख्यकों का भी सहयोग है, दलितों का, हर किसी का सहयोग। तो ये सर्कुलेट किया गया है ना अनुज जी की तबस्सुम हसन ने ऐसा कहा है कि भाई राम की हार है, अल्लाह की जीत है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, और इतना बड़ा उनका नाम नहीं रहा, हालांकि इस बार बहुत चर्चाओं में आई है। उनका अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, नाहिद हसन के बेटे हैं, वहां से विधायक है समाजवादी पार्टी के, तो उनका एक सियासी एक वर्चस्व रहा है, लेकिन एक महिला के तौर पर अगर बदनाम करना, अगर तबस्सुम हसन ने ये मैसेज सर्कुलेट किया है तो मुझे लगता है कि जांच के बाद पता चल जाएगा कि आखिर किसने किया है, और अगर बीजेपी की तरफ से हुआ है तो बीजेपी की तरफ से पता चलेगा, लेकिन जिसने भी किया है वो कहीं ना कहीं राजनीति फायदा उठाने के लिए, ये बहुत ही गिरी हुई राजनीति है जो नहीं करना। सबसे अंत में एक सवाल होता है राशिद, 2019 की तैयारी के लिए अब क्या भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक चीजों पे ही काम करेगी? सबसे पहले विकास पे बात की गई थी ना, विकास पे बात की गई थी, महंगाई पे बात की गई थी, गरीबी पे बात की गई थी, महिलाओं की सुरक्षा पे बात की गई थी, महंगाई पे बात की गई थी, लेकिन इनमें से कितने मुद्दे पूरे हुए? 2019 साल आने को है, एक साल सरकार पे बचा है, क्या इस दौरान वो राम मंदिर बनवाएगी? इसी का मुद्दा लेकर आई थी ना सरकार, जितने मुद्दे लेकर आई थी उनमें से कितने उसने वादे पूरे करे, ये असली मुद्दा है, या फिर जितनी तेजी से वो काम करना चाहिए था उतनी तेजी से बीजेपी ने नहीं किया, ये मुद्दा है। आपके पास मतलब आपका कहने मतलब वादों पे खरी नहीं उतरी बीजेपी, क्या कहना अनुज जी? देखिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम 2014 में कहाँ हमारा देश था, 2018 में कहाँ देश आ गया, तो वो हम अपने आप पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तेजी से जिस गति से विकास करना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को, उस गति से नहीं हुआ है। आप अगर जमीनी हकीकत पर जाएंगे तो जमीनी हकीकत पर लोग जो किसान हैं उनके कहीं ना कहीं अभी भी मुद्दे वही बने हुए हैं, लोगों के पास वही मुद्दे हैं, अभी भी वही सड़कों का हाल है, तो कहीं ना कहीं हुआ है विकास। अब बीच में जो अधिकारी हैं या फिर योजनाओं को लागू किया गया है या फिर बीच में जो अधिकारी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपने वादों पे खरी उतरी है या नहीं? नहीं, पूरी तरीके से नहीं उतरी है, उतरी है, कुछ काम किया सांप्रदायिक तौर पे, सांप्रदायिक छवि के तौर पे। मैं ये कह रहा हूं, ये सांप्रदायिक तौर पर बिल्कुल बिल्कुल लड़ा जाएगा, क्योंकि राजनीतिक मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भी इसी सांप्रदायिक मुद्दों पर बीजेपी को बुलाएगी ना। हाँ तो वही तो बीजेपी करेगी, क्योंकि आप अगर बीजेपी का देखिए आप आने वाले दिनों पर, अभी तक तो उसने कहीं ना कहीं इन सांप्रदायिक चीजों पर बात की है, विकास के मुद्दों पर बात नहीं की है, तो कहीं ना कहीं आप 2019 में भी हो सकता है ये। चलिए आप देखते हैं साल 2019 का महादंगल बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले कैराना का दंगल दिलचस्प हो गया, भले ही तबस्सुम हसन वहां से जीत गई हो, लेकिन उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और उनकी तरफ से जो मैसेज सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पे कि राम की हार और अल्लाह की जीत, कहीं ना कहीं तबस्सुम हसन ने साफ तौर पर बीजेपी का जिक्र किया है कि बीजेपी की तरफ से उनको बदनाम करने की साजिश की गई है, और जीतने के लिए आप बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ऐसा कहना है तबस्सुम हसन का। अब देखते हैं, पुलिस ने 5 लोगों की टीम बनाई है, अब देख किसकी तरफ, किस मीडिया सेल की तरफ से ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया गया है, फिलहाल ये तो अब जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर साफ साफ हो गया है कि अब आगामी दिनों में जो सांप्रदायिक चीजों को लेकर जो राजनीति है वो लगातार जोर पकड़ेगी, और जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं होगा, अब इसके बाद एक एक करके सारे सियासी नेता जुट जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को रिझाया जाए धर्म के आधार पर, लेकिन हम और आप थोड़ी अपनी समझदारी दिखाएं और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें, तो ये हमारे और आपके लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छा होगा। तो आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, होगी आपसे फिर कल मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।